कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना, ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम लोग आज से देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी खुद के लिए गाना, या खुद में गाना, या खुद को गाना, इज रिटन बाय, रिटन माने लिखा गया, बाय मीन्स द्वारा। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इज रिटन बाय, लिखा गया है बाय मीन्स द्वारा, किसके द्वारा? तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। अब इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमाकर भी पूछा जाता है, आपसे पूछेगा द राइटर ऑफ या पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, तो भी आंसर होगा वाल्ट व्हिटमैन। या आपसे पूछे कि हु इज द राइटर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो भी आंसर होगा वाल्ट व्हिटमैन। क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा हु हैज कंपोज्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो भी आंसर वाल्ट व्हिटमैन। तो इतने तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वाल्ट व्हिटमैन वॉज बॉर्न इन, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? तो 1819 में हुआ था। वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन, वाल्ट व्हिटमैन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1892 यानी 1892 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था कब? बॉर्न इन 1819, 1819 में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1892 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज पीपल्स पोएट, हु कौन नॉन जाने जाते हैं एज के रूप में पीपल्स पोएट, यानी लोगों के कवि के रूप में जाने जाते हैं, हु कौन? वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन डैश पोएट, वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के कवि थे या कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिकन, अमेरिका में के रहने वाले थे। वाल्ट व्हिटमैन वॉज अ, वाल्ट व्हिटमैन थे एक, क्या थे? कारपेंटर, बढ़ई, टीचर, शिक्षक, एडिटर, जो एडिट करता है। अगला क्वेश्चन वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन वॉज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द, ध्यान दीजिएगा, वाल्ट व्हिटमैन वॉज वॉलेंटियर का मतलब होता है जो लोगों की सेवा करता है, वो भी बिना पैसे लिए या बिना फी लिए हुए, यानी सेवादान। तो वाल्ट व्हिटमैन वॉज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द, यानी किस दौरान, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, वॉलेंटियर नर्स यानी लोगों को या घायलों को सेवा करने के लिए ये वाल्ट व्हिटमैन उपस्थित थे। तो वो थे सिविल वॉर, अमेरिका में जब सिविल वॉर हुआ। तो देखिए सिविल वॉर होता क्या है ये, तो जब अपने ही देश में, ध्यान रखिएगा, जब अपने ही देश में जब दो गुटों के बीच में तरफ झड़प होती है, झगड़ा हो जाता है, वार होता है, तो उसी को हम कहते हैं सिविल वार। तो ध्यान रखेंगे वाल्ट व्हिटमैन वॉज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। अगला है लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास इज रिटन बाय, लिखा गया है, रिटन लिखा गया बाय द्वारा, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। अगला है वाल्ट व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड लिप्स ऑफ ग्रास एट हिज एक्सपेंस इन, वाल्ट व्हिटमैन का पहला जो पब्लिश हुआ था, प्रकाशन हुआ था, बुक है लिप्स ऑफ ग्रास एट हिज एक्सपेंस, अपने एक्सपेंस माने खर्च पर, इन कब? 1855, 1855 में। ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स इज रिटन बाय, ड्रम टैप्स लिखा गया है किसके द्वारा?
तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। ड्रम टैप्स वाज पब्लिश्ड इन, ड्रम टैप्स ये भी किताब है वाल्ट व्हिटमैन का लिखा हुआ, वो कब प्रकाशित हुआ 1866। नेक्स्ट है वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, वाल्ट व्हिटमैन कितने वर्ष के थे 37 ईयर्स, लगभग 37 वर्ष के थे। अगला और लास्ट है आज का, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, द पोएट इन कवि सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ में डैश फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए क्या करते हैं सिंग्स गाते। यानी आपने देखा था कि सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ यानी वे खुद को इंजॉय करते हैं, खुद को जश्न मनाते हैं या खुद में जश्न मनाते हैं और खुद को गाते हैं या खुद में गाते हैं। नहीं तो ये एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर का एक छोटा सा पार्ट मैंने बनाया, तो आप इसे अगर समझ में नहीं आता तो फिर से आप इसे देख लेंगे बैक करके। एक बार फिर से मैं तेजी से पढ़ देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ इज रिटन बाय, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ लिखा गया है बाय किसके द्वारा, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था 1819 में। वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन, वाल्ट व्हिटमैन की मृत्यु हुई थी 1892 में। हु इज नोन एज पीपल्स पोएट, कौन जाने जाते हैं लोगों के कवि के रूप में, वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन डैश पोएट, वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के कवि थे, अमेरिकन। वाल्ट व्हिटमैन वाज, वाल्ट व्हिटमैन क्या थे, कारपेंटर, टीचर एंड एडिटर थे। वाल्ट व्हिटमैन वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग दी, वाल्ट व्हिटमैन एक नर्स के रूप में किस वार में उन्होंने सेवादान प्रदान किए थे, तो सिविल वार। लीव्स ऑफ ग्रास इज रिटन बाय, लीव्स ऑफ ग्रास के लेखक है यानी लीव्स ऑफ ग्रास इज रिटन बाय, लीव्स ऑफ ग्रास लिखा गया बाय किसके द्वारा, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। वाल्ट व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड लीव्स ऑफ ग्रास एट हिज एक्सपेंस इन, वाल्ट व्हिटमैन पहला प्रकाशन किए थे लीव्स ऑफ ग्रास का अपने खर्च पर 1855 में। ड्रम टैप्स इज रिटन बाय, ड्रम टैप्स लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। ड्रम टैप्स वॉज पब्लिश्ड इन, ड्रम टैप्स का प्रकाशन हुआ था, पब्लिश हुआ था 1866 में। और वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, कितने वर्ष के थे 37 वर्ष के। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, कवि जो है सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ में डैश फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए क्या करते हैं, तो सिंग्स करते गाते। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहे और अगला पार्ट बहुत जल्द आ रहा है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव आगे लेकर आएंगे, ये 13 है आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप बी इंजॉय, टेक केयर एंड स्टे होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।